इसी छोटी सी वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं इस प्लैटर को बनाना। दिस इज़ बेसिकली अ रेजिन थाली, पूजा थाली स्पेशली मेड फॉर दिस दीपावली। इसको आप और कलर्स में भी ट्राई कर सकते हैं। तो चलो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्रिएशंस अगेन और रेजिन रेसिपीज़ बाय जीनत की प्लेलिस्ट में आज एक और नया है रेसिपी का टाइम। एक बहुत ही अमेजिंग एपिसोड है। बाकी एपिसोड्स भी यानी कि बाकी रेजिन आर्ट ट्यूटोरियल्स आप इसी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं जिसका नाम है रेजिन रेसिपीज़ बाय जीनत। आप देख सकते हो साइड में मैंने दो डिस्पोजेबल कप्स में रेजिन एंड हार्डनर ऑलरेडी मिक्स कर रखा था जिसमें अब मैंने पिगमेंट मिला दिया है। So let me tell you the quantity so that you can keep that in mind. Here basically I have taken 30 gram of resin hardener and 60 gram of resin. 2:1 वाला मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। दोनों कप में 60-60 ग्राम हो गया हमारा रेजिन एंड 30-30 ग्राम इज आर रेजिन हार्डनर। तो टोटल कितना हो गया 90+90 आप मुझे कॉमेंट्स में बताओ जल्दी से। ओके तो यहाँ पे मैंने एक कप में फटाफट से पिंक कलर का पिगमेंट मिक्स कर लिया है। ये जो पिंक कलर का पिगमेंट है ये बेसिकली ट्रांसलूसेंट है और ग्लिटरी पिगमेंट है। आप अपनी पसंद से कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। आई गेस इसमें ना रेड कलर भी बहुत ज़्यादा प्यारा बचेगा और जचेगा एंड यस येल्लो कलर भी इसमें बहुत प्यारा लगेगा जो मुझे लगता है। बाकी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये प्लेटर देखने के बाद इसमें और कौन से कलर ज़्यादा अच्छे लग सकते हैं। दूसरे कप में हमने गोल्ड फ्लेक्स को मिक्स कर लिया है। मुझे ना सिल्वर और गोल्ड में से हमेशा सबसे ज़्यादा पसंद गोल्ड फ्लेक्स ही हैं तो मैं ज़्यादातर इस्तेमाल वही करती हूँ और बाय कोइंसिडेंस मेरे क्लाइंट्स को भी ज़्यादातर वही पसंद आता है। सो अच्छी बात है, मुझे जो पसंद है उन्हें भी वही पसंद है तो मुझे भी मज़ा आता है वही चीज़ें उनके लिए बनाने के लिए। अच्छा तो अभी हमने दोनों ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। सो लेट्स कीप देम फॉर अ रेस्ट कम से कम 2-4 मिनट्स के लिए। इस तरह से इसको रेस्ट में छोड़ देंगे और उसके बाद क्योंकि मैंने ये वीडियो फास्ट कर रखी है मैं ज़्यादा रेस्ट नहीं ले सकती, इसको हाफ एरिया में पॉ कर देंगे पिंक वाला पिगमेंट। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, प्लीज़ मेक श्योर दैट योर टेबल इज़ ऑन अ लेवल, मतलब टेढ़ा ना हो ढलान ना हो ताकि आपका जो रेजिन का फ्लो है वो सही चले। अगर एक तरफ ढलान होती है ना तो वो स्लैंट बन जाता है, बहुत ज़्यादा बेकार लगता है बनने के बाद। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान से ध्यान रखें इस चीज़ का कि आप जहाँ पर भी प्रोजेक्ट को बना रहे हैं वो एरिया लेवल्ड हो। ठीक है, यहाँ पे हल्का सा बल्कि मुझे प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने हल्का सा इसको टिल्ट कर दिया था। गोल्ड फ्लेक्स वाला पार्ट भी हमने दूसरी साइड डाल दिया एंड यू कैन सी जहाँ पर ये मिक्स हो रहा है ना एक बहुत ही प्यारा सा लाइट बेबी पिंक कलर का टेक्स्चर बना है जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अब फाइनली हमने इसको पूरा 8-10 आवर्स का वेट दे के अच्छे से इसको ड्राई अप होने दिया और अब हमने कर लिया है इसको अनमोल्ड। सो यू कैन सी द थिकनेस, अभी इसकी थिकनेस कम है बिकॉज अभी हम इसमें एक और लेयरिंग करने वाले हैं। एक और लेयरिंग में हम इसमें ऐड करेंगे मोटिव्स जो भी हमें लगाने हैं। जैसे अगर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँ तो आप शुभ लाभ लगा सकते हैं, आप अच्छे अच्छे मतलब कुछ भी मोटिव्स आप लगा सकते हैं। तो ये वाइट प्लेटर भी मैंने इसके साथ ही बनाई थी, इसका ट्यूटोरियल भी ऑलरेडी अपलोड हो चुका है जिसका लिंक आपको मोस्ट प्रोबेबली मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, बट अगर मैं नहीं दे पाऊँ तो आपको ये हमारी प्लेलिस्ट में तो ज़रूर मिल जाएगा रेजिन रेसिपीज़ बाय जीनत। अच्छा, ये जब ये सूख गया ना तो मैंने इसमें ध्यान से देखा कि इसमें एक चावल लगा रह गया और उसको देख के मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गई बिकॉज मैंने रोली चावल थाली भी उसी दिन बनाई थी और पता नहीं कहाँ से ये एक चावल इसमें गलती से गिर गया। बट विद गॉड ग्रेस फाइनली हमने इसको हीट गन की मदद से पूरा अच्छे से हीट अप किया और निकाल दिया।
फाइनली आर थाली इज़ ऑलमोस्ट रेडी। ये एक ना मैंने बेस लगाकर क्लाइंट को फ़ोटो खींच कर दिया था। ठीक है, आप सभी को मैं बताती हूँ कि जब भी आप किसी और के लिए कोई चीज़ बना रहे हैं, लाइक किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं जो चीज़ नहीं बनी है, तो आप ना एक बार उनको जस्ट फॉर द फाइनलाइजेशन दूसरी लेयरिंग डालने से पहले दिखा दीजिए तो अच्छा रहता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें अच्छे से अलाइन करके रख ली हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या आना चाहिए, और उसके ऊपर हम रेजिन को पॉ करेंगे। रेजिन डालने से क्या होगा, ये इन चीज़ों के ऊपर एक बहुत ही प्यारी लेयरिंग आ जाएगी जो इसको ग्लासी इफेक्ट देगी, इसको डस्ट से भी बचाएगी, अनब्रेकेबल बनाएगी, और उसी के साथ साथ जो ये टार्निश हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं प्लास्टिक के आइटम्स, वो ख़राब नहीं होंगे। जैसे कि ये जो लीफ आप देख रहे हो, ये लीफ तो पूरी रेजिन की लेयर के अंदर चली गई थी, तो ये लाइक फॉर द एटर्निटी ये यहाँ पे सेव हो चुकी है, अब ये जो है ख़राब नहीं होगी। बट अगर ये एयर के कॉन्टैक्ट में रहती तो धीरे 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 इसका जो ऊपर का गोल्ड पॉलिश है वो उतर जाता और ये ब्लैक पड़ जाती, दैट वी ऑल नो। ठीक है, गणेश जी क्योंकि थिकनेस ज़्यादा थी तो वो पूरा रेजिन में पोर नहीं हो सकते थे, तो वो हाफ़ हुए हैं। ठीक है, हाफ भी नहीं, बहुत ही जस्ट अ मिनिमल। ठीक है, और हमने बस फटाफट से जो हमारी स्टिक है, डिस्पोजेबल स्टिक और वी कैन से आइसक्रीम स्टिक, उससे अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है, हर एक कोने में रेजिन को पहुंचा दिया है। उसके बाद तो रेजिन अपने आप लेवल ले लेता है, अपने आप बराबर हो जाता है। बट फर्स्ट हमारा ये बहुत अच्छी ड्यूटी रहती है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हर जगह से रेजिन को एटलीस्ट जाने का रास्ता दें। कहीं कहीं पे स्पॉट रह जाता है ना, तो वो गड्ढा रह जाता है एंड इट्स लुक वेरी बैड। मेरे साथ कई बार ऐसा हो चुका है, आप भी मुझे कमेंट्स में बताओ अगर आपके साथ ऐसा हो चुका है। तो फाइनली दोनों कटोरियाँ रख दी हैं। अच्छा, कटोरियों के लिए भी मैं आपको एक बहुत अच्छी टिप देती हूँ, कभी भी ना रेजिन अगर आपने ज़्यादा पो किया है दूसरी लेयरिंग में और उसके ऊपर आपने कटोरी रख दी, उसके बाद आपने उसे चेक भी नहीं किया, बिलीव मी कभी कभी ना ज़्यादा फ्लो के चक्कर में वो पूरी कटोरी टेढ़ी हो जाती है, क्योंकि वो भी बह जाती है ना, और बाद में रेजिन सूख जाता है तो वहीं परमानेंटली अटैच हो जाती है। मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो आप ऐसी गलती मत करना, बीच बीच में उसको चेक भी करते रहना, ढक कर रखना, इसको बचा कर रखना फ्रॉम द डस्ट एंड एवरीथिंग। ठीक है, इसी के साथ मैं आपको दिखाती हूँ कुछ ये प्यारी प्यारी थाली है जो मैंने बनाई हैं। इन सभी के ट्यूटोरियल आपको मिल जाएंगे हमारी प्लेलिस्ट हैशटैग रेजिन रेसिपीज़ बाय ज़ीनत में। इसी तरह की वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब का कोई चार्ज नहीं होता, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ प्लीज़ इसको शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें, बिकॉज आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम और काम करने के लिए उत्सुक होते हैं। हम जल्दी से 2K फैमिली होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत है, कई सालों की मेहनत है उसके बाद। सो आई थैंक यू ऑल, और जिसने सब्सक्राइब नहीं कराया यार कर दो ना प्लीज़। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।